दो दिन से मन की मक्कारियों पे काम चल रहा है और आपने देखा कि हमारे आश्रम में कितने मक्कार लोग हैं। मक्कारों का आश्रम कहना कोई गलत नहीं होगा, और अगर मक्कार की बात की जाए तो सखा सबसे बड़ा मक्कार, इसीलिए इसका नाम हमने सखा आश्रम रखा। तो मक्कार शब्द को सखा से जोड़ सकते हैं, लेकिन बात है मक्कारी की, मन की चालाकियों की। सच बात तो यह है कि मन चालाक क्यों होता है, इस पर चिंतन होना चाहिए। मन की चालाकियों पर चिंतन होने की बजाय मन चालाक क्यों होना पड़ता है उसको, इस पर बात होनी चाहिए। आपने कभी जो चीजें जीवन में सहजता से उपलब्ध होती हैं उनके संबंध में कभी मक्कारी की? बाहर की चीजों के संबंध में नहीं, बाहर के हर चीज कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए असहज है। आपने कभी श्वास लेने में मक्कारी की? नहीं। तो हम खुद करते ही हैं। कभी पेशाब करने? हाँ, कोई क्या कहेगा, कुछ माहौल होते हैं जहां पे आदमी रोक जाता है, वो एक अलग बात है। जीवन में हम लोगों की जो स्थिति है वो ये है कि हमारे अंदर जिसको हम मन कहते हैं वो बाद में आता है, पहले माइंड होता है। माइंड की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, माइंड की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे शरीर की रक्षा करनी, उसे शरीर की रक्षा करनी, शरीर की रक्षा करनी है, और बहुत सारे शरीर हैं, बहुत सारी परिस्थितियां, उनके बीच में रक्षा करनी। तो जैसे एक बच्चा अभी पैदा हुआ है, और वो बोल नहीं पाता, तो उसे अपनी मां से दूध मांगने के लिए रोना पड़ता है। पड़ता है, रोना नहीं पड़ता। लेकिन कुछ दिन में बच्चा ये समझ जाता है कि मां को रोने से पता लग जाता है कि दूध चाहिए। फिर कई बार वो दूध की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये ट्राई करने के लिए कि मां दूध दे देगी नहीं देगी, फिर रोता है। आप लोग अगर बच्चों का विश्लेषण करें तो पाएंगे कई बार बच्चे झूठ मूठ रोते हैं, मां से खेल रहे होते हैं। हमारे यहां इसी है, इसी तुझे नीचे फेंक देंगे। तो मन की मक्कारियों का आरंभ ऐसा मत समझना संन्यास लेने के बाद शुरू होता है, बचपन से। मन की मक्कारियां मां के पेट से निकलने के बाद जैसे ही इंद्रियों पर थोड़ी पकड़ आनी शुरू होती है, वैसे ही मां की मक्कारियां, मन की मक्कारियां शुरू हो जाती हैं। और ये जीवन पर्यंत चलती है। हर आदमी के साथ ही जुड़ा हुआ है कि वो इस तरीके की मक्कारी करता है। मन की मक्कारी अपराध कहां बनती है, दूसरा चिंतन इस विषय पे होना चाहिए। मन की मक्कारियां अपराध बनती हैं तुम्हारे झूठे गुरुओं के कारण, तुम्हारे झूठे गुरुओं के कारण, जो तुम्हें पहले मन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, फिर उसमें से छांट छांट के अपने मतलब योग बातें निकालते हैं और तुमको निंदा से भरते हैं, मन के प्रति निंदा से। मालकियत होना सिखा नहीं पाते, मन के मालिक होने का सिखाने का उनके पास कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि अपने को कंट्रोल करो। सीता, यहां जितने लोग बैठे हुए हैं उसमें सीता एकमात्र है जो बहुत सारे गुरुओं के पास रही या पढ़ी। इसलिए जितने भी लोगों ने बातें की, जो व्यक्ति जितने ज्यादा गुरुओं का शोषण झेले हुए, है उसकी बात में
आपको पता चल सकता है कि वो ज्यादा गुरुओं से शोषित है, कि वो अपनी बात कहते वक्त, मन के बारे में बताते वक्त एक बार ये कहता है अब मैं कंट्रोल करना सीख गया। अभी सीता ने भी बोला अब मैं कंट्रोलिंग सीख रही हूं। सीता कह, मैंने कभी यहां मन पे कंट्रोलिंग सिखाई? मुंडी हिला रही है, नहीं सिखाई। तो जब मैंने नहीं सिखाई तो ये बात कहां से आई कि मन पे कंट्रोलिंग सीख रहे हैं? वर्ड गलत यूज़ कर रहे हैं। गलत नहीं, बहुत समय से बहुत लोगों ने ऑलरेडी सिखाया हुआ है कि कंट्रोल करना अच्छा है, लेकिन मैं तो कभी नहीं सिखाता मन को कंट्रोल करो। हाँ मैं ये कहता हूं कि मन के कंट्रोलिंग का खेल खेल लो, कभी कभी खेलना हो तो अभी हाथ ऊपर ऐसे करके कर लो, फिर बैठे लेक्चर देते रहो और बात अपनी करते रहो, तो इंद्रियों का थोड़ा सा कंट्रोलिंग सीखो। मैं मन पे कंट्रोलिंग नहीं सिखाता, मैं इंद्रियों पे कंट्रोलिंग तो सिखा सकता हूं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि इंद्रियां ही हैं जो हमारे सबसे निकट हैं, मन तो बकवास बात। मैं आज यहां बैठे और जितने भी लोग सुनते हैं उन सबसे कह देना चाहता हूं कि मन की मक्कारी धर्म जगत में कोई भी बाधक नहीं है आपकी किसी भी यात्रा में। मन की मक्कारी धर्म जगत में यात्रा में कोई भी बाधक नहीं है। तो फिर बाधक क्या है? हाथ आ जाओ। तो बाधक क्या है, क्या चीज है जो बाधा डालती? आप एक बात बताओ कि आप सुबह मूली के पराठे खाओ और उसके बाद पाद आए, पाद बुरी है या आने के बाद आराम मिलता है? आराम। तो बुरा क्या? रोकना। बुरा है लोगों का नाक सिकोड़ना, एम्बैरेसमेंट। लोग जब ऐसे करके करते हैं तो जो भी ऐसा करके करे, आज के बाद ये थोड़ा नियम बनाओ, जो भी ऐसा करके करे उसे पूछो भाई तुम्हें नहीं आती, तुम्हारा सिस्टम खराब है क्या? पूछो। और आयुर्वेद से अगर तुम थोड़ी सी जानकारी लो तो पता लगेगा कि जिसको रिया खारिज नहीं होती इसका मतलब वो बीमार है, और रिया खारिज ज्यादा होना भी बीमारी है। स्वामी जी तोपे जल्दी गई बार हमारे डॉर्मेट्री में चल रही थी ना, मूली कुछ आया था मूली की सब्जी। अब मैं आपको एक दूसरी चीज बताता हूं, यह है कि दूसरों से तुम्हें एक अपने अंदर एक प्रतीति आती कि उसने देखा और उसने ऐसा रिएक्ट किया, उस रिएक्ट से तुमने जो गिल्ट फील किया, तुमने जो अपने आप को छोटा फील किया, वहां पे फिर अगली बार तुम छोटा नहीं सिद्ध हो। इससे बचने के लिए जब तुम अपने मन की मक्कारी का उपयोग करते हो तब है धर्म जगत में बाधा, तब है जगत में बाधा। ओशो के जगत में एक स्लोगन बहुत फेमस है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है कि नहीं? वो ऐसे ही है, जब जब आप दूसरों को देख के अपने एक्शन बदलते हो, जैसे आप लोगों ने कई बार ऐसे देखा होगा कुछ लोग अकेले जो हैं जा रहे हैं सड़क पे, मोबाइल आजकल एक साथी हो गया लोगों का, तो मैं कई बार ऐसा देखा कि एक सड़क पे दूर से एक लड़का आ रहा है, सही आ रहा है, लेकिन कोई लड़की दिखी, कोई उसको कुछ ऐसा दिखा जिसके सामने वो अपने को अकेला प्रतीत नहीं कराना चाहता, वो अपने अंदर जेब से मोबाइल निकाल के फोकट में हाँ हाँ भैया बोलो करने लग जाता है।
आप में से भी कई लोगों ने किया होगा, दूसरे को देख के कि वो कहीं तुम्हें अकेला ना सोच ले, कहीं तुम अंदर से अकेलापन झेल नहीं पा रहे होते हो तो मोबाइल निकाल के शो करने लगते हो कि नहीं तुम अकेले नहीं। ऐसा बहुत लोग करते हैं। इस तरीके के एक्शंस जो हैं वो हर बार तुम्हें ये सिखाते हैं कि दूसरे तुमसे बड़े हो गए और हर बार तुम उनके सामने अपने को बड़ा बनाने के लिए जो प्रयास करते हो वो तुम्हें एक ऐसी गिल्ट से भर जाते हैं कि फिर तुम 24 घंटे सोते जागते सपने तक में मक्कारी करने लगते, सपने तक में मक्कारी। बहुत से लोग होते हैं जो सपने में अपने किसी खास को अगर गाली देने जा रहे हो, जैसे कोई किसी का पिता हो, सपने में देख रहे हो पिता से लड़ाई हो रही है तो वहां भी गाली देने से रोक जाते हैं, या जिसकी रिस्पेक्ट करते हो अगर सपने में लड़ाई हो जाए तो उसको सपने में भी गाली देने से रोक जाते हैं, सपने में भी बुरा भला कहने से हिचकते हैं। तो जब कोई भी रोग तुम्हारे सपने में प्रवेश कर जाता है और वहां पे भी तुम मक्कारी करते हो तो समझ लो तुम आत्मा को सुलाने में और ज्यादा सहयोगी हो रहे। मेरा मानना है इसे बाहर निकलने का एक सबसे सुलभ तरीका है, सबसे सुलभ तरीका है कि जब भी तुमको कोई कहे कि मन की मक्कारी, अपनी मक्कारी को रोग ना मानो, व्यक्त करो और उसी वक्त सुधार कर लो। अब मैं ये कहूं कि रोग ना मानो लेकिन सुधार ना करो तो कहीं ना कहीं मैं तुम्हें उल्टा फंसा रहा हूं। जैसे सपोज अगर कोई आदमी यहां काम ना कर रहा हो, मक्कारी दिखा रहा हो, तो मैं उससे जाके कहूं कल कि तुम ऐसा कर रहे हो, अरे हाँ स्वामी जी मक्कारी तो कर रहे हैं हम, काम नहीं कर रहे, ये कोई बात नहीं। मक्कारी का अगर पता है तो उसका उसी वक्त चेंज करो। सबसे अच्छा ढंग यही है कि तुम अपने चारों तरफ का एनवायरनमेंट ऐसा बनाओ कि जिस एनवायरनमेंट के बीच में तुम्हें कम से कम मक्कार होकर जीना पड़े। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये तीन उपाय ही हैं। मन को मारने का कोई भी उपाय कभी नहीं किसी के पास था, ना हो सकता है। ये बात कुछ लोगों ने इस ढंग से कह दी कि लोगों को लगने लगा कि मन को मारा जा सकता है। मन को कभी नहीं मारा जा सकता, आपके जीवित रहते जब तक आप रहोगे मन रहेगा, जब तक आप जीवित रहोगे मन जीवित रहेगा। हाँ ये है कि मन को डाइवर्ट किया जा सकता है, मन को डाइवर्ट किया जा सकता है। जैसे संसार में मन जो है वो आपका ज्यादा आपको परेशान करता है तो आप किसी बुद्ध की संगत में, किसी धर्म की शरण में, किसी संघ की शरण में अगर आप रहते हैं तो मन को वहां आपको समझने जानने के और मन को धीरे धीरे कोई दिशा देने के तरीके लग सकते हैं, आप उसको दिशा दे सकते हैं। तो दिशा देने का जो ढंग है वो यही है। जिन्होंने कहा कि धर्म की शरण में इसलिए आओ कि मन की हत्या करेंगे वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं भटका गए, क्योंकि फिर हमारा पूरा जोर जब मन की हत्या पे लग जाता है तो कहीं ना कहीं हत्या से पहले हमारे मन में एक और इंफॉर्मेशन आती है कि मन गलत है। मन के बारे में जब तक ये इंफॉर्मेशन तुम्हें ना आए कि मन गलत है तब तक तुम उसकी हत्या करोगे, और जैसे ही तुम्हारे पास ये इंफॉर्मेशन आती है कि तुम गलत हो, मन गलत है, विश्वास मानना तुम सुबह से शाम तक 24 घंटे मन ही हो।
तुम 24 घंटे मन हो, और अगर तुमने मन को दुश्मन बनाया तो तुम अपने दुश्मन हो जाओगे। कोई भोजन रोकेगा मन से लड़ने के लिए, कोई सेक्स को दबाएगा, कोई प्रेम को दबाएगा, कोई ग्रोथ को दबाएगा, कोई किसी को दबाएगा, कोई पाद को दबाएगा। दमन चल रहा है, 24 घंटे दमन चल रहा है, क्योंकि आप इसको अपना शत्रु मानते। क्या शत्रु को बदला जा सकता है? शत्रु मान के, शत्रु की तरह उसके साथ उपयोग करके उसको बदलने का कोई तरीका है? मुझे बताएं। नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिसको तुमसे कहा गया कि ये शत्रु है, मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं ये तुम ही हो। आईने के सामने जो खड़ा है वो मन है। अब क्या करोगे? हत्या कर पाओगे? मन की हत्या संभव ही इसीलिए नहीं है क्योंकि जो हत्या करने निकला वो खुद ही मन है। तुम खुद ही मन हो तो अपनी हत्या कैसे करोगे? हां, एक बात संभव है कि मन से दोस्ती कर ली जाए। बहुत दिनों से तुम्हें सिखाया गया कि तुम बुरे हो, तुम बुरे हो। थोड़े दिन ये मान के चलो, नहीं मैं ठीक हूं, आई एम राइट। जब आई एम राइट मान के हम चलेंगे तो थोड़े दिन लगेंगे, मन दोस्त हो जाएगा। संतोष ने पूछा कि कैसे 24 घंटे आनंद में रहा जाए, तो वह सूत्र बता रहा हूं। थोड़े दिन अपने मन से लड़ने की बजाय, कहा हो किसी बाबा ने, किसी बुद्ध पुरुष ने, कोई भी दुनिया का बुद्ध पुरुष हो, मैं उसे शास्त्रार्थ भी करने को तैयार हूं, सब करने को तैयार हूं कि मन की हत्या का कोई उपाय नहीं, मन से मैत्री का उपाय है। मैत्री करो, मन को दोस्त बनाओ, और दोस्त को क्या अपने घर ले जाने से कोई हिचकता है? ये सखा परिवार है, ये संग है, तुम्हारा मन तुम्हारा दोस्त है, तो उसे प्रकट करो सबके सामने। भाई प्रकट करोगे, तुम्हारे दोस्त की थोड़ी बहुत कोई बात होगी जो किसी को नहीं सही लगेगी, उसके दोस्त के कारण, तो समझ बढ़ेगी। अब जैसे तुम किसी को आके यहां उससे पूछो कि तुम्हारा सरनेम क्या है, सरनेम पूछना समाज में एक बड़ा सभ्य चलन है नहीं है? लेकिन सरनेम पूछने से कितनी हिंसाएं खड़ी होती है तुम्हें पता है? सरनेम पूछने से कितनी सारी हिंसाएं खड़ी होती। तो अगर कोई सखा परिवार में आया और किसी ने किसी से कहा कि भाई अपना सरनेम बताओ, तो सखा परिवार का कोई सदस्य कह सकता है भाई ये उस दुनिया की दोस्ती, उस दुनिया की बातें यहां मत करो। तो तुम क्या कर सकते हो, क्या करोगे, क्या करो? इस दुनिया की बात, तो उस दुनिया की बात छोड़ के फिर इस दुनिया में जीना सीखोगे? यहां कोई किसी का सरनेम पूछता है? यहां पे कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऊंचा छोटा ये होता है? नहीं। तो जब ये नहीं होता, तो आप अपने उस मन को जो संसार से लेके आए हो उसको यहां के हिसाब से बदलोगे कि नहीं बदलोगे? अच्छा, जो चीजें संसार में तुम्हें मन के साथ जीने में दुख देती हैं, अगर तुम उनसे यहां पे पलट के व्यवहार शुरू किया, तो क्या तुम आनंदित होगे कि नहीं होगे? थोड़ा सोच के देखो। मन लागो यार फकीरी में, जो मजा है राम भजन में वो फिर कहां अमीरी में। कबीर दास के ये वचन बहुत प्यारे हैं, मन लागो यार फकीरी। संसारी मन था, संसार में लगा रहता था, अपने से ज्यादा दूसरे की चिंता। तुमने देखा है कि कभी कोई तुम्हारा अपना बीमार हो जाए, अस्पताल में भर्ती हो,
तुम उससे मिलने जाते हो, तुम्हें दुख होता है कि भाई हमारा कोई अपना भर्ती है, होता है दुख। लेकिन उससे ज्यादा तुम पड़ोस के बिस्तर पे जो लेटा होता है उससे पूछते हो, और भैया तुम कब से हो, भैया तुम्हारी बीमारी बड़ी है। अगर सुनने को मिल जाए कि उसकी बीमारी बड़ी है, तुम्हारे वाले की छोटी है, तो बड़ा दिल को तसल्ली होती। मन की ये हरकतें चलती हैं, संसारी तल पे चलती हैं। संसार में कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी का हालचाल सिर्फ इसलिए पूछता है कि किसी तरीके से पता चल जाए कि ये हमसे बड़ा दुखी है तो हम सुखी हो जाएं। हमें अपने सुख का कोई आयोजन ना करना पड़े, हम जल्दी से सुखी हो जाएं कि ये बस दुखी है। जैसे रोज समाज का एक नियम है कि सुबह सुबह निकलते हैं और भैया कैसे, सब ठीक सब ठीक, इतना कह दो सब ठीक तो बढ़िया, लेकिन इससे एक कदम पीछे या एक कदम आगे हो फिर अलचल हो जाती। जैसे तुम सुबह निकले और कोई दिखा हाथ टूट गया, हाँ भैया हाथ टूट गया, अब हाथ टूट गया तो अरे भैया बड़े दुख की बात, खड़े हो जाओगे 10 मिनट, वो तो बेचारा पहले ही दुखी, उसे और दुखी करोगे, बहुत भैया बुरा हुआ, हम आएंगे शाम को घर पे। अब घर जाके भी चाय पी पी के उसके दुख का तुम खूब खूब वर्णन करोगे, क्योंकि तुम्हें अपना दुख छोटा लगना है। तो संसार में रहते हुए मन इस तरीके की हरकत करता, और कहीं सुबह तुम निकले और तुम्हें सखा मिल गए और तुमने सखा से पूछ लिया और भैया कैसे, तो मैं तो बड़ा उल्टे जवाब देता। जैसे पहले मुझसे कोई पूछता था कि और सखा कैसे, तो मैं कहता था भैया फटी जा रही, बहुत बुरी हालत है, बताओ क्या मदद कर रहे हो। वो कहते मतलब, मैं कहा भाई क्यों पूछी, फोकट में पूछ रहे। अच्छा अब थोड़ा सा दूसरा है, जब मुझे पता लग जाता कोई फोकट में पूछ रहा, तो जैसे कोई पूछे और भाई भैया कैसे, हाँ बहुत बढ़िया, आश्रम में काम चल रहा है इस समय, 10 लाख रुपए का मार्बल लेने जा रहे हैं, तो सारे की आत्मा मर जाती। तो बात ऐसी है कि संसार में मन इस तरीके की बदतमीजियों में शामिल रहता है कि वो दूसरे को अपने से ज्यादा दुखी देखने में आतुर है, और अपने से ज्यादा सुखी से वो बसता घूम रहा। लेकिन अब यही मन अगर बदलता है, यही मन अगर किसी आश्रम में जाके, किसी सखा परिवार में जाके या कहीं और भी आपका बदलता है, तो यहां पे अभी सीताराम आया, सीताराम की कमर में दर्द हुआ, इधर हम तुम्हें यहां कुछ लोगों ने मदद की तुम्हारे कमर दर्द को दूर करने, है ना, मैं देखा मालिश भी हुई, लोगों ने सपोर्ट भी किया। तुम सुबह देखोगे कभी कोई किसी की मालिश कर रहा, कोई किसी बैठा, यहाँ यही चलता रहता दिन भर, यहाँ यही चलता रहता, भाई हम पेंटिंग करते थक गए तुम कर लो, अरे भैया आ जाओ पत्थर उठा लो, आ जाओ भाई यहाँ मेज इधर खसकवा लें, आ जाओ भाई बर्तन धुलवा लें, यही चलता रहता है। मन लागो यार फकीरी, सिंपल। तो मैं कहता हूं कि मन के लिए, मन को जीतने के लिए, मन को मित्र बनाने के लिए तुम्हें कुछ बहुत करने की जरूरत नहीं है, सिवाय इसके कि तुम थोड़ा माहौल बदलो। जो मन से बहुत पीड़ित हैं, मन से बहुत बेचैन हैं, वो यहां आए, उनका स्वागत, थोड़े दिन यहां बिताएं, हम फकीरों के बीच में बिताएं, उनके मन को थोड़ा फकीरी का चस्का सिखाएं। संगम शरणम गच्छामि, और हम यही बात कहेंगे 3 बार कहने की भी, कि संगम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। बुद्ध की शरण में मत जाना, क्योंकि बुद्ध की शरण में जाके
तुम अपने रोगों को दबा लोगे, वहां दिखाओगे। पैर पड़ते वक्त तुम अपने पर्दे डाल लोगे, तुम अपनी बदतमीजियों को खोलोगे नहीं, क्योंकि आशीर्वाद लेना हो तो अपनी गंदगी नहीं दिखाई जाती, अपनी अच्छाइयां दिखाई जाती। लोग आते हैं मेरे पैरों में गिरते हैं, उनके अंदर बहुत मक्कारियां चल रही होती हैं। तो बुद्ध की शरण में मत जाना, हमारी मक्कारियां बढ़ जाएंगी। धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण में मत जाना, क्योंकि अभी तुम्हें धर्म का कोई पता नहीं है। ज्यादातर कहा जाता है जैसी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। तुम पहले अपने भावना के दर्शन कर लो, तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हारा भगवान कितना गंदा। लेकिन तीसरी चीज के लिए मैं बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा, संघम शरणम गच्छामि, किसी ऐसे संघ की शरण में जाओ जहां पे तुम्हारे मन को खेलने के अवसर मिले, जहां तुम्हारा मन तुमसे दोस्ती करना सीखे, जहां तुम्हारे मन की तुम हत्या करने के लिए पागल ना हो जाओ। ये बहुत सरल उपाय, संघ की शरण करो। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय ना कभी था ना कभी होगा, क्योंकि अगर कोई जीवन काल में अपने बुद्ध भी हुआ होगा तो निश्चित ही वो किसी संघ की शरण में हुआ होगा, और अगर थोड़ी सी अकल ठिकाने आ गई होगी तो एक दिन वो संघ का ही निर्माण करता होगा। हर बुद्ध ने एक संघ का निर्माण किया, हर निर्माण से उसके बीच जी के थोड़े से बुद्ध निकले, उन बुद्धों ने अपने तरीके से अलग अलग तरीके का संघ का निर्माण किया। क्योंकि जब कोई एक संघ चलता है तो उस संघ में धीरे धीरे मन बड़ा भी होने लगता है, जैसे मक्कारियों वाला मन बड़ा भी होने लगता है। जैसे जगत में कोई व्यक्ति अच्छे कपड़े पहन के चलता है तो उसका सम्मान होता है, ये मन हरकत करता है। सन्यासियों के बीच में कौन कितनी देर ध्यान आंखें बंद करके बैठता है, ये मक्कारियां चलने लगती हैं। हमारे सन्यासियों के बीच में जब मौलिक आया, शुरू शुरू में इसने खूब मक्कारी दिखाई, ढोंग करता था, अपने कपड़े पहन के से नाच रहा है। मैं क्या करता था, गोपाल सेन ये सारा चूतिया बना रहा है सबको। तो हमारे यहां तुम नहीं देखोगे कोई आंख बंद करके बैठा है बुद्ध टाइप। यहाँ किसी को बुद्ध होने की जल्दी नहीं, यहाँ किसी को बुद्ध होने की जल्दी नहीं। मैं बस बहुत काम है। हाँ, बहुत काम है, बिल्कुल फ्री नहीं। यहाँ यहाँ बुद्ध होने कोई जल्दी नहीं है। धोखे से कोई बुद्ध धोने आ गया तो वो भी यहाँ काम के चक्कर में होता है। पता लगा आए थे बुद्ध होने और सीता ने कह दिया कि बेटा ये बर्तन साफ कर, गेहूं झाड़ने से मैं ही उठवा दूंगा। हाँ, किसी से गेहूं साफ करवा लिए जाते हैं। कोई जज यहाँ पे मटर चीरता, तो यहाँ बड़े काम है। बुद्धों का प्रवेश वर्जित है, यहाँ लिखवा दो। एक नीचे प्लेट लिखवाओ, यहाँ बुद्धों का प्रवेश वर्जित है, यहाँ बुद्ध नहीं प्रवेश करेंगे। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखो। और कभी भी, मैं फिर कह रहा हूं, मन से लड़ाई लड़नी हो तो बुद्ध की शरण में नहीं लड़ी जा सकती, बुद्ध के सानिध्य में लड़ी जा सकती, शरण में नहीं। जब आप पैर छूते हो उस वाले बुद्ध से तो आप कतई मन को अपने जीत ना पाओगे। हाँ, कोई दोस्ती आ रही हो तो चल जाएगा मामला, क्योंकि वो तुम्हारे मन को समझेगा, मित्रवत तुम्हें आगे ले जाएगा। और अगर तुमने कहा नहीं कोई गुरुजी मिल गए बस पैरों में पड़े रहेंगे तो मामला नहीं। लोग मेरे पैरों में पड़ने आते हैं, मैं तुरंत ऐसे कहता हूं जरा आओ बेटा, जरा इन्हें मिलवा लो सबसे। दिव्या बेटा इनको मिलवा लाना, प्रवीण इनको मिलवा लाना, जीजित बेटा देखो इन्हें सबसे मिलवा दो, सारा काम समझवा दो। अभी आए देर नहीं हुई बेटा, पहले काम समझ लो। तो लोग कहते हैं चक्कर क्या, हम तो आए थे गुरुजी के पास बैठेंगे थोड़ी देर। नहीं, हमारे पास बैठ लेना, हम बैठने को मना नहीं करते। जिस दिन मूड आता उस दिन बहुत बैठाते हैं, नहीं मूड आता तो कोई भरोसा नहीं बैठने का, दौड़ाते ही रहे। मन के बारे में पहली बात जान लो, मन बुरा नहीं है,
क्योंकि इसे तुमने नहीं पैदा किया, ये परिस्थितियों से पैदा हुआ। फिर मन के बारे में जो लेक्चर दे रहे हैं कि मन बुरा है, उन बाबाओं से बचो, क्योंकि एक तो तुम्हें तकलीफ ऑलरेडी है, ऊपर से तुम्हारी तकलीफ को और कुरेद रहे हैं, जख्म को नाकसूर बना रहे हैं ये बुद्ध पुरुष, तो इनसे बचो। और तीसरी बात, अगर हत्या की बात आए तो बिल्कुल इनकार कर देना, ये मन की हत्या तो हमें बिल्कुल नहीं करनी। मन से मैत्री करने की कला है, और मैत्री करने की बात आए तो चौथा सूत्र, ज्यादातर तीन सूत्र बताता हूं, आज चौथा हो गया, संघ की शरण करो, सखा परिवार की शरण करो, ये बिल्कुल बेहतर उपाय है। यहां तुम्हारे मन को तुम्हारा दोस्त बना के घर वापिस भेज देते हैं, तुम अकेले आते हो, दो लोग जाते हो, कितने